अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि है आलू का पराठा। बहुत कॉमन रेसिपी है लेकिन ये किसी की फरमाइश है जिसकी वजह से मैं आज आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है लेकिन मैं सिर्फ सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ जो कि झटपट बन जाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मेरे पास बॉयल किए हुए आलू हैं तकरीबन हाफ के जी, ज़ीरा और धनिया जिसको मैंने कोट लिया है तकरीबन हाफ हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, ग्रीन चिलीज दो ली थी मैंने जिनको चॉप कर लिया है, धनिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। आटा जो है वो मैंने पहले से गूंद के रख लिया था, सिंपल आटा 2 कप आटा लिया है जिसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है, ऑयल 1 टेबल स्पून और उसको पानी से अच्छे से चले। यहाँ पर मैं आलूओं को मैश कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसमें तमाम चीज़ें ऐड कर दूंगी जैसे ज़ीरा और धनिया, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। यहाँ पे मैंने सॉल्ट, ज़ीरा, धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर और नमक तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर जो है वो हमारे पास ये रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं पराठे बेलने की तरफ। यहाँ पर हम 2 छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा डस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब हम रोटी में जो है वो आलू की जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसकी फिलिंग डालेंगे और जो हमने दूसरी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से साइड से बंद कर देंगे। रोटी की जो साइड्स हैं उनको हमने अच्छे से बंद करना है ताकि आलू का मिक्सचर जो है वो रोटी से बाहर ना निकले। रोटी को उठाऊंगी और आटा डस्ट करूंगी और दोबारा से इसको बेलूंगी। आप जो है वो हाथों से भी बेल सकते हैं और बेलन से भी बेल सकते हैं। यहाँ पर मैं बेलन से बेल रही हूँ ताकि रोटी जो है वो बैलेंस हो जाए। रोटी का पराठा जो है वो रेडी है। अब हम इसको जो है वो तवे पर डालेंगे। पराठा जो है वो वन साइड से अच्छे से सिक रहा है। अब हम इसको पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाए। एक बार जो है वो पलटा है। अब हम इसमें जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको पलटेंगे ताकि जो ऑयल है वो तवे पर जाए और वो अब नीचे से जो है ये इसकी सिकाई हो जाए एक साइड की रोटी की। मैं इसको जो है वो पलटूंगी इस तरीके से और दोनों को अच्छी तरह जो है वो हमने पराठे को कलर देना है। अभी इस पर हल्का हल्का सा कलर आया। अभी हमने इसको और पकाना है थोड़ा। ये रोटी फूल रही है। इस मिंट के जो रोटी है वो अच्छे से फूली है। अंदर जो है वो इसके बैटर है और वो अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखें इसका कलर अल्हम्दुलिल्लाह। यम्मी सा और झटपट बनने वाला पराठा। अब हम इसको उतार लेंगे और डिश में सर्व करेंगे। दोनों साइड से जो है वो कलर आ चुका है। पराठों के साथ जो है वो कोई ना कोई एक चटनी जो है वो सर्व की जाती है। मैं यहाँ पर लहसुन की चटनी बना रही हूँ जो कि मेरे पास 5 से 6 लहसुन के जगह हैं और काली मिर्च और नमक हसबे जायका है। सिरका मैं 1 टेबल स्पून लूँगी और हरी मिर्च 1 है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको मैं जो है मिक्सी के जार में जो है वो उसका पेस्ट बना लूँगी। तो लहसुन की चटनी जो है वो रेडी है। मैं यहाँ पे अचार और सादा योगर्ट है वो मैंने साथ में इसके सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।
और अपनी दुआ में मुझे शामिल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।